कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का समापन करते हुए श्रीनगर में ध्वजारोहण किया। उसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के निदेशक पर कटनी कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में सुभाष चौक पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रपति महात्मा गांधी के चरणों में माल्यार्पण किया गया। वह श्रद्धांजलि देकर रघुपति राघव राजा राम का गीत गाया गया और भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। कटनी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और रघुपति राघव राजा राम गीत के साथ भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता श्रेया रौनक खंडेलवाल व कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम खम्परिया मौजूद रहे। वहीं इस दौरान विक्रम खम्परिया ने कहा कि 3,970 किलोमीटर की दूरी तय कर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव कश्मीर में रहा और कश्मीर में राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया गया है। उसी तरह कटनी में भी महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर उनके बलिदानों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार से लड़ने का कार्य करती रहेगी। आज पूज्य महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एवं भारत जोड़ो यात्रा का आज जो कश्मीर में समापन हो रहा है उसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर स्थानीय सुभाष चौक में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही पूज्य बापू की चित्र को माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि दी गई। से वो गांधी थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी और उद्देश्य यही था कि अपने देश के लोगों को जोड़ना है, एकता बढ़ानी है। उसी तरीके से आज हमारे राहुल गांधी जी का भी यही उद्देश्य था भारत जोड़ो यात्रा का कि हम अपने देशवासियों को जोड़ना। और जिस तरीके से आज महंगाई बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ रही है और जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने आज हमारे शहर के लोगों पे देश के लोगों पे बेड़ियां बांध दी है उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत की गई थी जिसका आज समापन है और हम सब कांग्रेस वासी आज उनके साथ हैं, हम सब साथ खड़े हैं और इस बात का हमको बहुत गर्व है, खुशी है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।